हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी सो हमारे जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है फिर वो एनर्जी सेक्टर का हो या फिर आईटी सेक्टर का हो या फिर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का हो उस पर काफी अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर नेक्स्ट सेक्टर ये करो वो करो तो उसमें एफ सेक्टर पर बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे कि सर आप एफ सेक्टर का एक क्वांटेटिव एनालिसिस क्यों नहीं करते सो so, हमने यहाँ पे ये जो क्वांटेटिव एनालिसिस है ये जो मेथोडोलॉजी है इसको दो तरीके से हम एनालाइज करते एक है कि भाई जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल वहां पे हम लार्ज कैप कंपनी सिलेक्ट करते हैं और वो एनालिसिस आप लोगों को करके देते हैं और दूसरा जो हमारे स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स है वहां पर हम यूनिवर्स थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो वहां हमारे रिसर्च टीम कैन एसिस्टस इन ऑल दोज एनालिसिस और वहां पे वो एनालिसिस पे आपको मिलने वाले हैं हर हर एक सेक्टर को हम वैसे उस तरीके से एनालाइज करने वाले हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम सेक्टर्स हम यहां पे कवर करें तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप फाइव एफ कंपनीज का बारह पैरामीटर्स पे हम एनालिसिस करेंगे ट्वेल्व पैरामीटर्स को एनालाइज करेंगे उनके रेशियो देखेंगे ग्रोथ नंबर्स देखेंगे उसके हिसाब से रैंकिंग देंगे और फिर वहां पे पॉइंट्स भी दिए जाएंगे दोस्तों और ये बहुत सारे लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है हम कभी कभी एक पर्टिकुलर पैरामीटर देखते हैं और बोलते हैं अरे ये तो बहुत महंगा स्टॉक है जैसे कि एच के बारे में बात करेंगे अगर मोर देन सेवेंटी के पी रेशो ये स्टॉक ट्रेड करता है तो हमें लगता है यार बहुत महंगा है कंपेयर टू दैट बहुत सस्ता लग रहा है बट एक पैरामीटर देखना सही नहीं होगा हमें सारे पैरामीटर्स देखने होंगे उस कंपनी के बारे में एंड देन वी शुड बी एबल टू गिव अ काइंड ऑफ कंक्लूजन कि ये ओवरऑल ये कंपनी कैसी नजर आती है तो यहां पर यह कौन से कौन से पैरामीटर्स में यहां डिस्कस करने वाला हूं ये पहले आप लोगों को बता देता हूं सो ट्वेल्व पैरामीटर्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो फर्स्ट पी रेशियो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देन आर ओई डेट टू इक्विटी रेशियो इंटरेस्ट कवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर थ्री ईयर्स एंड फाइव ईयर्स देन एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा रेशियो एंड देन इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो तो ऐसे ट्वेल्व पैरामीटर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो तो यहाँ पे पांच कौन सी आपको बता दूं तो पहली कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 5.1 पॉइंट करोड़ रुपीज सेकेंड कंपनी इज आई टी सी टू पॉइंट थ्री नाइन लाख करोड़ रुपीज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन थर्ड इज नेस्ले इंडिया विथ वन पॉइंट फाइव फाइव लाख करोड़ रुपीज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज विथ नाइंटी टू थाउजेंड करोड़ रुपीज ऑफ मार्केट एंड लास्ट but not the least is Dabur. विथ एटी सेवन थाउजेंड करोड़ रुपीज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ये पांच कंपनीज का एनालिसिस ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं सो फर्स्ट पैरामीटर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट प्राइस टू रेशियो फॉर रुपया अर्निंग हम कितना पैसा उस कंपनी को देना चाहते हैं सो इन द केस ऑफ एच यूएल द प्राइस टू टूर्निंग रेशियो इज सेवेंटी वन पॉइंट एट सेवन आईटीसी विच लुक्स वेरी अट्रैक्टिव अकॉर्डिंग टू दी प्राइस टूर्निंग रेशो विच इज ट्रेडिंग एट सिक्सटीन 0.41 सो 16.41 का पी रेशो बोलते हैं हमें लगता है यार कितना अट्रैक्टिव है यार कंपेयर टू एचयूएल आईटीसी ट्रेडिंग एट 16.41 बट ये क्यों कर रहा है ये आने वाले रेशियोस में आपको शायद पता चल सकता है थर्ड इज नेस्ले इंडिया अनादर एमएनसी विद 74.69 एज पी रेशो. फोर्थ इज ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज इंडियन कंपनी विद 54.09 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो एंड डाबर 58.86 पी रेशो. तो अगर मैं यहां पे पी रेशियो के नंबर्स देखता हूं सो सबसे लोएस्ट पी रेशियो है आईटीसी का और सबसे हाईएस्ट पी रेशियो है नेस्ले इंडिया का इसीलिए नंबर वन रैंक आईटीसी को है नंबर फिफ्थ रैंक नेस्ले को तो जितनी रैंक ऊपर होगी मतलब नंबर वन रैंक कंपनी को हम पॉइंट्स देंगे दैट्स व्हाई आई एम गिविंग पॉइंट्स 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 टू 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 ब्रिटानिया डाबर एंड नेस्ले इज गेटिंग वन पॉइंट इन पी रेशियो टेबल तो यहां जितना कम पी रेशियो उतने ज्यादा पॉइंट्स हमने कंपनी को एलोकेट किया नेक्स्ट रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में अगर हम बात करते हैं तो वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी नाउ अगर हम देखते हैं सो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री ये है सारी यह एफ एमसीजी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री का पार्ट है बट द बेस्ट पार्ट फॉर दीज कंपनीज जो भी इन्वेस्टमेंट्स बड़े इन्वेस्टमेंट्स इनको करने थे ये कर चुके हैं नाउ दीज आर ऑल वेरी गुड कैश फ्लो जनरेटिंग मशीन कैश मशीन है ये लिटरली डेली बेसिस पे सेल इतने जबरदस्त प्रोडक्ट सेल्स होते हैं इन सारी कंपनीज के एंड दैट्स वाई इनको नया कैपिटल लगता नहीं है या फिर डेट कैपिटल बहुत ज्यादा कम होता है या अगर लगेगा भी कहीं पे इन्वेस्ट भी करना है इनको तो इतना रिजर्व्स एंड सरप्लस इनके पास होता है कि ये आराम से वो एक्सपांशन प्ले आउट कर सकते हैं सो so, एक चीज हमने हमेशा देखनी चाहिए ये जो एफ कंपनीज़ है ना यहां पे कुछ नए सेगमेंट्स लॉन्च करके कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके दे कैन रीच टू मासेस So, जो कैपिटल एम्प्लॉयड नया कैपिटल एम्प्लॉयड किया जाएगा उस पर रिटर्न जनरेशन का कैपेसिटी इनका ट्रीमेंडस होता है एंड एचओ एल का आई टी सीज एट थर्टी टू पॉइंट सिक्स परसेंट नेट नाइंटी एट पॉइंट टू परसेंट ब्रिटानिया थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट डाबर ट्वेंटी सेवन पॉइंट नाइन परसेंट तो यहां पे बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड विध हंड्रेड एंड सेवनटीन परसेंट आर ओ यहां पे बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये क्या बात हुई यार ये कंपनी तो इतनी ज्यादा कैश कुछ डेट नहीं है और ये कुछ जो नया कैपिटल इनके पास रहता है से, अर्निंग्स वगैरह वो रखते नहीं है ज्यादा अधिक गिव एज डेविडेंट तो फिर इसका क्या मतलब है बट ऐसा नहीं होता दोस्तों हम हर एक एंगल्स को इग्नोर नहीं कर सकते देर विल बी सम एंगल्स जैसे कि पी रेशो -E में अब ये कंपनी का हाई आर ओसी हो सकता है ये भी एक रीजन है इसका पी रेशो -E जो एक्सपेंसिव मिला हुआ है इसको बहुत सारे लोगों को कंफर्ट आता है स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा कंफर्ट आता है भाई आर इन आर के अगर स्ट्रांग नंबर से तो वी वुड लाइक टू गिव मोर वेटेज टू दैट पर्टिकुलर स्टॉक इन आर एलोकेशन दैट इज ऑल्सो वन रीजन ये कंपनीज बहुत हाई पी रेशो पे ट्रेड करते हैं जैसे आपने देखा आर ओसी में थर्टी टू पॉइंट सिक्स परसेंट का नंबर है आईटीसी uh, का एंड द पी रेशो इज सिक्सटीन पॉइंट फोर वन तो ये सारी चीजें ना एक दूसरे से लिंक्ड भी होती है इसको आइसोलेशन में हम नहीं देख सकते why, ROC, 5 HL, ROC, हम को आप स्क्रीन पर देख सकते हो उनके रैंक्स एंड नंबर हमने दिए है तो जैसे आर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट आर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है नेट इनकम डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सर और और रिटेनिंग जिसे कहते हैं सो so, ये नंबर भी स्ट्रांग नजर आ रहा है For for Nestle एच एल एटी then for Dabur it is 24.8 सेवेंटी पॉइंट थ्री परसेंट फॉर ब्रिटानियार्टी टू percent पे ही है तो इस, uh, के हिसाब से हमने वहाँ पे rankings दिए हैं और points यहाँ दिए तो यहाँ पे भी एचल बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है With five points and only one point to Dabur India in ROE category also. Now जैसे हमने बोला कि capital intensive industry है दो

फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेश अगर हम डेट के बारे में बात करेंगे तो फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव देन ब्रिटानिया ट्वेंटी तो यहां पर अकॉर्डिंग टू दैंक्स वी आर गिविंग एलोकेशन टू दंपनीज तो फाइव पॉइंट मिल रहे हमें आई टी को फोर पॉइंट टू एच यू एल थ्री पॉइंट टू डाबर टू पॉइंट टू ब्रिटानिया एंड वन पॉइंट टू नेस्ले सो दिस वॉज रिलेटेड टू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंपॉर्टेंट so, फैक्टर इन दैपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन कैसे इन कंपनी के तो वहां पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है थर्टी फाइव पॉइंट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है आई टी सी का थैंक्स टू देर बिजनेस ऑफ टोबैको या फिर सिगरेट का जो बिजनेस है उनका वहां से बहुत ज्यादा मार्जिन इस कंपनी को आते हैं देयर मेन स्ट्रगल इज देयर प्योर एफ एम सी जी बिजनेस दो सिगरेट इज ऑल्सो अ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बट उनका जो एफ है जो मानते हैं वो खुद को एक लाख करोड़ तक का रिवेन्यू लेके जाना चाहते वो है उनका एफ एमसीजी दो विल हैव टू लुक एट दी टोटल कंपनी एंड दैट्स वन परसेंट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होने की वजह से नंबर वन रैंक पे कंपनी एंड वी आर एलोकेटिंग फाइव पॉइंट पे है एच यू एल विथ ट्वेंटी फोर पॉइंट थर्ड नंबर पे है नेस्ले फोर्थ नंबर पे है डाबर एंड ब्रिटानिया इज एट फिफ्थ पोजिशन विथ सेवेंटीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दो लास्ट क्वार्टर जो था वहां पर ब्रिटानिया ने भी काफी अच्छे मार्जिन इंप्रूव किए हैं बट द मैनेजमेंट कमेंट्री वॉज दैट कि भाई ये कंटिन्यू नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन डिमांड फॉर देयर मेन प्रोडक्ट दैट इज बिस्कुट इंक्रीज लॉट एंड दैट्स वॉल्यूम्स इंक्रीज फेनोमिनली वेल और एक चीज याद रखनी चाहिए एफ एमसीजी कंपनीज में एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है उसके बाद शूट अप हो जाते हैं मार्जिन तो ये सस्टेन नहीं हो पाएंगे दैट्स वॉट द मैनेजमेंट इज सेंग और हमने वैसे भी लास्ट ट्वेल्व मंथ्स के नंबर्स लिए सो दैट्स वाई विल हैव टू रिस्पेक्ट दी अदर थ्री क्वार्टर्स ऑल्सो रूस हिसाब से हमने यहां पे रैंकिंग और पॉइंट्स दिए हैं नाउ द सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ तो यहां पे स्लगिशनेस वाज एक्सपेक्टेड इन सेल्स ग्रोथ अगर हम पांच साल के नंबर्स देखते हैं तो चार साढ़े चार पांच परसेंट है तो 4, 4, है. So, यहां पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज सेल्स में बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है विद एट सेल्स ग्रोथ इन फाइव ईयर एंड ट्वेंटी ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ इन लास्ट फाइव ईयर सो दैट्स वाई विदिशन ब्रिटानिया इज स्कोरिंग इन बोथ बोथ पैरा ऑन पैरामीटर्स ऑफ फाइव ईयर ग्रोथ अगर थ्री ईयर्स में भी हम बात करेंगे तो वहां पर नेस्लेट सिक्स परसेंट का इयर्स का sales growth है 25% का नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है नेस्ले का तो यहाँ पे Nestle बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है 3 years के point of view से अकॉर्डिंग टू द रैंक्स अदर कंपनीज के यहाँ पे points हमने प्रेजेंट किए नाउ ईवी टू एबिटा एंटरप्राइज वैल्यू जहां पे नॉट ओनली इट्स ऑल अबाउट द मार्केट कैपिटलाइजेशन बट द आल्सो सो ईवी टू एबिटा ये नंबर जितना कम होगा उतना ज्यादा एट्रैक्टिवली वैल्यूड वो स्टॉक नजर आता है वो कंपनी नजर आती है तो वहां पर भी आई पॉइंट स्कोर करता हुआ नजर आ रहा है एंड एज एक्सपेक्टेड विद पी रेशो सेम काइंड ऑफ नंबर्स हमारे सामने प्रेजेंट हो रहे ऑन ईवी टू एबिटा आल्सो एंड दैट्स व्हाई फाइव पॉइंट्स टू आईटीसी एंड द लोएस्ट इज नेस्ले विथ वन पॉइंट नाउ द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ये रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता. मतलब होता है इसका मतलब ये होता है एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी बार इनका पोर्टफोलियो चर्न हो रहा है या फिर ये मतलब माल बेच रही प्रोडक्ट्स है हम देखेंगे, या फिर आ, कितने चर्निंग हो रही है स्पेसिफिक तो टाइम हो, हो, हो रही है तो ये जितना ज्यादा होगा नंबर उतना उस कंपनी का टर्नवर अच्छा है इन्वेंटरी टर्न अच्छा है सो दैट इज पॉजिटिव साइन यहां पर ब्रिटानिया एज एक्सपेक्टेड बिस्कुट बिजनेस है तो इमीडिएटली खत्म होते हैं दो दिन तो दिन दिन में हमें नए नए बिस्कुट के पैकेट्स लगते हैं तो उस हिसाब से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज एट नंबर वन पोजीशन विध 9.33 पॉइंट थ्री इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो एट नंबर टू पोजीशन है यहाँ पे एच हिंदुस्तान हिंदुस्तान लिमिटेड नंबर थ्री पोजीशन पे है योर नेस्ले इंडिया नंबर फोर पोजीशन पे है डाबर एंड नंबर फिफ्थ पोजीशन पे है आईटीसी। तो उसके हिसाब से हमने यहां पे रैंकिंग दी है और जि, जिसका सबसे ज्यादा होगा इन्वेंट्री टर्न उतना अच्छा है तो उसको वहां पे पॉइंट भी दिए हैं. दो यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ डिफर कर सकते हो हमारे साथ सर ये इनके एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स मैच नहीं होते फिर हमने ये क्यों कंपेयर करना चाहिए बट फ्रेंड्स बिलीव मी आपको एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट्स हर जगह नहीं मिलेंगे कैसी थॉट प्रोसेस चलती है किस एफ कंपनी की किस सेगमेंट में या सब सेगमेंट में इनको जाना है वी डू नॉट नो सो दैट्स वाई वी शुड इट टू दोज कंपनीज ीटर्स विच वी आर एनालाइजिंग वहां पे किसी को एडवांटेज मिलता है किसी को नहीं मिलता है सो दैट्स वाई और ये पूरा सारा एनालिसिस अगर हम करेंगे और फिर आप लोगों के सामने नंबर प्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल ये टॉप फाइव कंपनीज में नंबर वन पोजिशन पे आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर विथ 43 थ्री नंबर टू पोजीशन पे है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज फोर्टी वन नंबर थ्री पोजिशन पे है आई टी सी तो इनके अगर डिफरेंसिस देखोगे तो ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है तो ये तीनों कंपनीज अच्छी लगती है है वैल्यू लगती है जो भी इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं उनको एंड फेवरिज्म फॉर कंपनीट्यूशनल होल्डिंग ऑल्सो सो दैट इज वन रीजन फोर्थ पोजिशन पे नेस्ल इंडिया विथ थर्टी सिक्स पॉइंट तो ये भी कुछ ज्यादा मार्जिन नहीं है बट डाबर कंपेयर टू दीज या पॉइंट जो स्कोर मिला है इसको वह ट्वेंटी टू तो कंपैरिजन में शायद इन कंपनीज के साथ डाबर लूज होता हुआ नजर आ रहा है बट ऐसा कुछ है क्या कि डाबर बहुत ही खराब कंपनी है नो वी आर नॉट से नथिंग लाइक ये एलिमिनेशन राउंड हो सकता है आप लोगों के लिए यहां देखना है सारी चीजें एंड देन यू कैन डिसाइड ऑन कि भाई ठीक है यहां पर यह पॉइंट की हिसाब से आई थिंक देर इज नो प्रॉब्लम सो so yeah, ये अब यही और ज्यादा यूनिवर्स बढ़ा किया है हमने फॉर आवर स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर्स ये कंजर्वेटिव इक्विटी में कंजर्वेटिव साइड ऑफ इन्वेस्टर के लिए ये अपॉर्चुनिटीज सही हो सकती है बट ओवरऑल अगर ब्रॉडर मार्केट में देखना चाहते हो तो यू कैन गो टू आवर स्टॉकोमीटर प्लस वहां पर हमने सारी जो एफ कंपनीज है उनको एनालाइज किया है और पॉइंट दिए तो वहां पर शायद अलग रिजल्ट भी दिख सकते हैं अब इट इज नॉट कि नहीं, नहीं वो हम शेयर ही नहीं करना चाहते आपके साथ नहीं जो स्कोप अवेलेबल है हमें फ्री वीडियो करने का वो हम आप लोगों लिए कर रहे बट जो रिसर्च जो uh, हम कर रहे हैं या फिर हमारी जो कॉस्ट वगैरह है वो सारी चीजें अगर हम मैनेज कर रहे सो डेफिनेटली विल हैव टू हैव सम एडिशनल रिसर्च प्रोडक्ट्स विद अस एंड दैट्स वाई वी आर रिजर्विंग दो दैट रिसर्च टू आर स्टॉकोमेटो प्लस सब्सक्राइबर्स तो हम चाहेंगे इट विल बी अ वैल्यू फॉर मनी फॉर ऑल यू पीपल जरूर हमारा स्टॉकोमेटो प्लस को ज्वाइन कीजिएगा इवन और मॉडल पोर्टफोलियोज बहुत एफर्ट देते हैं हम म्यूचुअल फंड रिव्यूज वो भी आपने देखे हमारे म्यूचुअल फंड रिव्यूज हम कैसे करते हैं कंसिस्टेंटली आपको अगर आपके पोर्टफोलियोज को प्रॉपरली एनालाइज करते रहना है तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए एम्यूनिशन बन सकता है टूट टेक केयर ऑफ योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो जरूर इस सारी चीज़ें आप हमारी वेबसाइट इन्वेस्ट से सब्सक्राइब कर सकते हो वहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट भी आप लोगों को मिल सकते हैं यू कैन कॉल एस और ई मेल सारे डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी ऐसे ही नए नए सेक्टर्स आप लोगों के लिए लेके आएंगे और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों जय हिंद